हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हमारा एक्सरसाइज 2.2 फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन इज इक्वल टू 8, यानी कि हमें क्वेश्चन में इतना दिया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो भी कैसा है, सिमेट्रिकल है। क्लियर? फाइंड पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। हमें अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है गाइस, तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो कि एन पी क्यू एंड एक्स। क्लियर? इतना इन्फॉर्मेशन है ना, तो हम लोग बाइनोमियल का फॉर्मूला इजीली पुट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तो एन तो क्लियरली दे दिया है कि 8। एक्स के लिए भी आप वैल्यू देख सकते हो कि हमें क्लियर दिया है कि एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। इट मीन्स कि एक्स हमें कौन सा कंसिडर करना है, 0 एंड 1 कंसिडर करना है। अब बात बची पी एंड क्यू के रिलेटेड। हमारे पास ऐसा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग पी एंड क्यू फाइंड कर सकते हैं। बट आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या बोला गया है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी थी 3 डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। क्लियर? कि अगर नेगेटिव स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें पता है कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो उसके पी का वैल्यू हो जाता है 1/2। अगर आपका पी इज इक्वल टू 1/2 है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम पी का वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि पी हमारा हो जाएगा 1/2। तो सेम एज इट इज क्यू भी क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, इट मीन्स कि 1/2। अब हमें सारे वैल्यूज मिल चुके हैं तो इजीली हम लोग वैल्यू कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है, तो कि एक्स 0 एंड 1 के लिए फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमें ये वाला प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा कि पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1। क्लियर? किसके लिए, तो कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर? 0 एंड 1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब देखो, पी ऑफ 0 के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो कि एन सी एक्स, एन हमारा कितना है 8, 8c0, पी का वैल्यू 1/2, रेस्ट हो जाएगा 0, क्यू हमारा 1/2, रेस्ट हो जाएगा 8 - 0, यानी कि 8। ये हुआ हमारा 0 के लिए। अब सेम एज इट इज हम लोग शुरू करते हैं उसका 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 8c1, 1/2 का 1 रेस्ट एंड 1/2 का 8 - 1, यानी कि 7 रेस्ट। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। 8c0 तो गाइस कितना हो जाता है, 1, किसी का भी 0 रेस्ट 1, और 1/2 का 8 रेस्ट, यानी कि 1 का भी 8 रेस्ट, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का 8 रेस्ट, तो 256। क्लियर? ये फर्स्ट वन हमारा सॉल्व हुआ। प्लस करते हैं सेकेंड वन, 8c1 गाइस कितना होता है 8, 1/2 का 1 रेस्ट यानी कि 1/2 इंटू 1/2 का 7 रेस्ट, 1 का भी 7 रेस्ट 1 और 2 का 7 रेस्ट 128। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 × 1 × 1, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1 / 256 प्लस 8 × 1 × 1, 8 / 2 × 128 कितना होगा, 256। क्लियर? अब देखो, हमारे दोनों के एलसीएम सेम ही है तो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका एलसीएम हमारा डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 256, और 1 + 8 कितना हो जाएगा गाइस, 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। गाइस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछने के चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे आपको हिंट दिया है फॉर सिमेट्रिक, कि आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसका पी 1/2 होता है। क्लियर? तो बाकी सबको आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं, सम नंबर 2, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। हमें क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि हमारा मीन कितना है, 5 है। और गाइज, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो कि एन पी इज इक्वल टू 5। क्लियर? इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। आगे देखते हैं, इट्स वेरियंस इज इक्वल टू द प्रॉबिबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमारा जो वेरियंस है वो हमारा सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है उसके जितना ही है, यानी कि इक्वल है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेरियंस मतलब क्या होता है, एन पी क्यू इज इक्वल टू पी, क्योंकि वेरियंस का वैल्यू कितना है, तो कि सक्सेस के जितना है, और सक्सेस हमारा क्या होता है, पी होता है। क्लियर? तो ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है। आगे देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें एन एंड पी का वैल्यू फाइंड करना है। आगे देखते हैं, हैंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलियर्स फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक्स का वैल्यू ऐसा फाइंड करना है कि हमें कोई भी फेलियर नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको कोई फेलियर नहीं मिलता है, इट मीन्स कि आपको सारी सक्सेस मिल रही है। क्लियर? बट आप क्या चेक कर सकते हो कि हमारे पास एन का वैल्यू है, नहीं है, ना तो पी का है, ना ही क्यू का है, ना ही एक्स का वैल्यू है,
तो हमें पता कैसे चलेगा कि x हम लोग कितना पुट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें n फाइंड करना पड़ेगा, इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हम लोग कितनी कर रहे हैं वो, क्लियर? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कर लेंगे फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ये सारी ट्रायल में सक्सेस मिल रही है, इट मीन्स कि जो हमारा n आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो n p q ऐसा कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट हमारे पास ये दो रिलेशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, क्लियर? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाले रिलेशन में एन पी का वैल्यू पुट कर दे, क्लियर? तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, कि एन पी क्यू इज इक्वल टू पी, इट मीन्स कि एन पी की जगह पे हम रोक रख रहे हैं 5, जो कि हमें पता है, और फिर q तो एज इट इज बचेगा इसमें, क्लियर? इज इक्वल टू p. अब देखो गाइस, यहाँ पे 5 इंटू क्यू है, तो q का वैल्यू हम लोग 1 माइनस पी रख सकते हैं, क्लियर? क्योंकि ये हमें पता है. यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने 1 माइनस क्यू क्यों नहीं रखा, तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई कुछ वगैरह हो नहीं सकेगा, आगे कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा. अगर आप यहाँ पे रखते हो तो 5 को मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस हो सकता है. तो इट मीन्स कि ये आपके लिए एक हिंट है कि जहाँ पे भी नंबर्स हो उसमें अगर आप 1 माइनस पी या फिर 1 माइनस क्यू रखोगे तो ईजिली वैल्यू मिल सकता है, क्लियर? अब देखो 5 इंटू क्यू, तो उसकी जगह पे हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि 5 इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू पी. अब ये ब्रैकेट ओपन करो, कैसा हो जाएगा, 5 माइनस 5 पी इज इक्वल टू पी, माइनस 5 पी सामने चला जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 पी प्लस पी, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 पी, और पी का वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 5 डिवाइडेड बाय 6. अब देखो गाइस, हमें पी का वैल्यू मिला 5 डिवाइडेड बाय 6, इट मीन्स कि 1 में से माइनस करेंगे तो क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर? तो हमारा क्यू भी गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 1 डिवाइडेड बाय 6. P मिल चुका, Q मिल चुका. अब क्या अगर NP का आंसर हमें पता है तो N में हम लोग P का वैल्यू रखेंगे तो N का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर? तो यहाँ पे ये कर देते हैं कि NP इज इक्वल टू 5. N हमें नहीं पता है बट P पता चल गया कि 5 बाई 6, तो N इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5. अब देखो n चाहिए तो ये 5 बाई 6 सामने चला जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवीजन में जाएगा, क्लियर? तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 बाई 5 कैंसल, तो n हमारा कितना होगा गाइस, 6 होगा. हमें n का वैल्यू मिल चुका है 6. इट मीन्स हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गाइस क्या फाइंड करना था, तो कि आपको कोई भी फेलियर नहीं मिलना चाहिए, इट मीन्स कि सारी सक्सेस मिलनी चाहिए. और सारी सक्सेस कितनी मिल सकती है, हम लोगों ने ट्रायल तो 6 ही किया है, तो यानी कि 6 के 6 में हमें सक्सेस चाहिए, तो हमारा x कितना हो जाएगा गाइस, 6 हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर? गेटिंग नन ऑफ दी फेलियर. अब देखो हम लोग उसमें बाइनोमियल का फार्मूला पुट करते हैं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. अब हमें पता है कि p ऑफ 6 हमें फाइंड करना है, तो n हमारा कितना है गाइस, कि 6 सी 6 इंटू पी हमें कितना मिला है गाइस, कि 5 बाई 6, 5 डिवाइडेड बाई 6, रेस्ट टू कितना हो जाएगा गाइस, 6, और इंटू क्यू हमें कितना मिला है, 1 बाई 6, और रेस्ट टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 0. ओके, 6 सी 6 कितना होता है गाइस, कि 1, 5 रेस टू 6 और 6 रेस टू 6 करना पड़ेगा, 5 रेस टू 6 कितना होता है, तो कि 15, 6 25, और 6 रेस टू 6 कितना होगा, तो कि 4, 6, 6, 5, 6, क्लियर? और इंटू किसी का भी जीरो रेस्ट करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, इज 1. तो अल्टीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा 15625 डिवाइडेड बाय 46656. तो ये हो गया हमारा आंसर. यहाँ पे खास ध्यान आपको सिर्फ इसलिए देना है कि गेटिंग नन ऑफ द फेलियर, इट मीन्स कि आपको सारी सक्सेस मिलनी चाहिए और उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना है. ओके, अब हम लोग देखते हैं साम नंबर 3. अ पर्सन हैज केप्ट 4 कार टू रन और रेंट. एक पर्सन है जिसके पास 4 कार है रेंट पे देने के लिए, क्लियर? द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग अ डे इज 0.6. हमें 0.6 किसी का कोई प्रोबेबिलिटी दिया है, बट हम कैसे डिसाइड करें कि ये पी है या फिर क्यू है? हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है गाइस, कि अगर आप कंफ्यूज ना होना चाहते हो तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको आप पी सपोज करोगे. तो क्वेश्चन में देखते हैं कि पहले क्या पूछा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड ड्यूरिंग अ डे. रेंटेड ड्यूरिंग अ डे, और ये प्रोबेबिलिटी भी हमें किसका दिया है, तो कि रेंटेड ड्यूरिंग द डे, इट मीन्स कि रेंटेड पे अगर जाती है रेंट पे तो वो हमारा पी है. तो ये प्रोबेबिलिटी हमें किसका दिया है, तो कि रेंटेड ड्यूरिंग द डे, इट मीन्स कि ये हमारा पी है.
पी मिल चुका तो क्यू इजीली मिल जाएगा, क्या करेंगे 1 माइनस पी, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 0.4। टोटल उसने कार कितनी ली के रखी है तो कि 4, तो कि एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। अब बचा वैल्यू एक्स का, जो कि हमें क्लियरली दिया है कि मोर देन 1 बट लेस देन 4, यानी कि 1 से ज़्यादा और 4 से कम, 1 और मोर देन 1 नहीं बोला है, इट मीन्स कि हमें x कितना लेना है तो कि 2 एंड 3। क्लियर, सारी वैल्यू क्लियर हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, क्या होगा एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। क्लियर, अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है गाइस, कि पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, अब देखते हैं पी ऑफ 2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन करते हैं, तो एन हमारा कितना है गाइस 4, 4c2। पी हमारा कितना है तो कि 0.6 रेस टू 2, और फिर क्यू हमारा 0.4 रेस टू 2। क्लियर, प्लस 3 के लिए करते हैं तो कि 4c3, 0.6 का 3 रेस्ट एंड 0.4 का 1 रेस्ट। आपको ये भी खास ध्यान देख लेना है गाइस कि ये जितने भी रेस्ट होते हैं उसका टोटल कितना होना चाहिए एन के जितना। क्लियर, अब देखो 4c2 का इस कितना होता है तो कि 6, 0.6 का 2 रेस्ट कितना हो जाएगा 0.36, और 0.4 का 2 रेस्ट कितना हो जाएगा 0.16। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट, प्लस 4c3 होगा 4, 0.6 का 3 रेस्ट होगा 0.216, और 0.4 का 1 रेस्ट 0.4 एज इट इज। क्लियर, अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमें मिलेगा 0.3456। क्लियर, सेम एज इट इज़, आप इन तीनों का भी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमें मिलेगा 0.3456, और इन दोनों का प्लस करोगे तो हमें मिलेगा 0.6912। क्लियर गाइस, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 200 फार्म्स इन अ तालुका, यानी कि कोई एक तालुका के अंदर टोटल फार्म कितने हैं गाइस 200 है। अमोंग द बोरवेल्स मेड इन दिस 200 फार्म्स ऑफ दिस तालुका, हमें यहाँ पे बोरवेल बनाना है, सॉल्टेड वाटर इज अ फाउंड इन अ 20 फार्म्स। जब भी हम लोगों ने इन 200 फार्म हमें दिया है उसके अंदर बोरवेल बनाया, तब उसमें से 20 फार्म ऐसे थे जिसमें से सॉल्टेड वाटर निकला। क्लियर, इट मीन्स कि हमें यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिला गाइस कि 20 डिवाइडेड बाई 200 करके। क्लियर, ये हमारा एक हिंट है कि हम लोगों ने टोटल 200 फार्म को लिया था किसी तालुके में से, उसमें बोरवेल बनाया ना था, तो उसमें से 20 फार्म ऐसे है, 200 में से 20, यानी कि ऐसा कुछ दिया है कि 20 बाई 200 जिसमें सॉल्टेड वाटर निकल रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं, अब हमें ये रेशियो लग रहा है प्रोबेबिलिटी के जैसा, तो डिसाइड करना है कि ये हमारा पी है या फिर क्यू है, वो किसके ऊपर से पता चलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो पूछा है वो पी, बाकी सब क्यू। आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर। नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर को गाइज हम लोग सपोज करते हैं पी, तो गेटिंग सॉल्टेड वाटर क्या हो जाएगा हमारा क्यू, और ये जो हमें 20 फार्म का इन्फॉर्मेशन दिया था वो किसके लिए दिया था, तो कि सॉल्टेड वाटर के लिए, यानी कि ये सॉल्टेड वाटर का प्रोबेबिलिटी है जिसको हम क्यू सपोज करेंगे, क्योंकि नॉट गेटिंग का क्वेश्चन पूछा है, जो हम लोग बनाएंगे हमारा पी। क्लियर, अब देखो ये हमारा क्यू है 20 बाई 200, तो ये कैंसिल करके लास्ट में हमें कितना मिलेगा 1 बाई 10, तो इसको 1 में से माइनस करोगे तो पी कितना मिलेगा 9 बाई 10। क्लियर, पी और क्यू हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या था, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर 3 आउट ऑफ 5, यानी कि हम लोगों ने ये फार्म में से चेक करने के लिए सैंपल कितने लिए हैं, तो कि 5 में से 3, आई रिपीट इट, इट मीन्स कि n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। हमें सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, सिंपली अब क्या करते हैं हम लोग इसको बाइनोमियल के फार्मूला में पुट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है गाइस, कि पी ऑफ 3, तो उससे पहले हमें एक टाइम बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना ज़रूरी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ओके, अब पी ऑफ 3 हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो कि एन हमारा कितना है तो कि 5, ये हो जाएगा 5c3 इंटू पी है हमारा 9 बाई 10, 9 डिवाइडेड बाई 10 रेस टू 3, और क्यू है हमारा 1 बाई 10 रेस टू 2, एन माइनस एक्स 5 माइनस 3 2 रेस्ट। अब ये सॉल्व करते हैं, 5c3 कितना होगा गाइस तो कि 10,
यहाँ पे है 9 का भी 3 रेस्ट और 10 का भी 3 रेस्ट. 9 का 3 रेस्ट होगा 729 और 10 का 3 रेस्ट होगा 1000. क्लियर. 1 बाई 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. अब देखो यहाँ से एक एक जीरो हम लोग कट कर देते हैं तो 729 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 729 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 यानी कि 10,000. क्लियर गाइस. सो अब हम लोग देखते हैं लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 2.2. एन एग्जाम्पल इज ए गिवन टू 6 स्टूडेंट टू सॉल्व. हम लोग को एक एग्जाम्पल 6 स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए देते हैं. क्लियर. 6 स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए देते हैं. इट मीन्स कि वी हैव ए टोटल 6 स्टूडेंट. तो हमारा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. क्लियर. आगे देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाई एनी स्टूडेंट्स. अगर कोई भी स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल दिया है उसका करेक्ट सॉल्यूशन देता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो कि 0.6. इट मींस कि हमें ऐसा पता कि चला कि 0.6 किसी का प्रोबेबिलिटी दिया है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये पी है या फिर क्यू है. इट मींस कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है वो पी, बाकी हमारा क्यू. तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा है. ओके, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट सॉल्यूशन. इट मींस कि ये जो 0.6 दिया था वो किसका प्रोबेबिलिटी था, तो कि करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करे उसका. और क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा है, तो कि करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करे उसका. इट मींस कि ये जो 0.6 है वो हमारा क्या है, p. तो q हमारा क्या हो जाएगा, 1 - p यानी कि 0.4. आगे देखते हैं x क्या दिया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट सॉल्यूशन बाय ओनली 2 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट. यानी कि 6 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे पाए उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. इट मींस कि हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा. क्लियर. अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग रखते हैं बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन. क्या हो जाएगा हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. क्लियर. अब देखते हैं कि p ऑफ x हमें कैसे रखना है, तो कि p ऑफ 2 यानी कि n हमारा है 6 6c 2. p का प्रोबेबिलिटी है 0.6, रेस टू हो जाएगा 2 और q है 0.4, रेस टू हो जाएगा n माइनस एक्स 6 - 2 यानी कि 4. क्लियर. 6c 2 गाइस कितना होगा, तो कि 6 × 5/2 यानी कि 15. 0.6 का स्क्वायर कितना होगा, 0.36 और 0.4 का 4 रेस्ट 0.0256. अब इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमें मिलेगा 0.13824. इट मींस कि ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी कि हमारे 6 में से एग्जैक्ट 2 स्टूडेंट हमें करेक्ट आंसर देते हैं. बाइनोमियल में गाइज आपको सिर्फ इतना खास ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड करो हमारे पास ये 4 वैल्यू होनी चाहिए. और ये भी आपको खास ध्यान देना है कि अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको पी लेना है और जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है वो आपको क्या लेना है, क्यू लेना है. इट मींस को जो अनदर साइड होगा वो हमारा ऑफकोर्स क्यू हो जाएगा. क्लियर. और हमें ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये चैप्टर नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी है या फिर 2 का. चैप्टर नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी होगा तो गाइज इसमें फ़र्क इतना होगा कि उसमें या तो आपको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है या तो आपको सारे दिए होंगे, यानी कि ए का, बी का, बोथ का, एटलीस्ट का. क्लियर. ऐसे. और यहाँ पे आपको क्या होगा, तो कि सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी दिया होगा और वो कंपलसरी दिया होगा सारे क्वेश्चन में. और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मे बी मोस्ट प्रोबेबली 2 आंसर्स आते हो, यानी कि सक्सेस और फेलियर आते हो, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे. तो आपको ऐसे बाइफर्गेट करना है कि ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन होगा और ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन होगा. आप कैसे पता करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको एक ही प्रोबेबिलिटी दिया होगा और आपको सक्सेस फेलियर का क्वेश्चन पूछा होगा. यानी कि आपके मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं. और चैप्टर नंबर 1 में क्या होगा कि आपको इवेंट दिया होगा कि ऐसा इवेंट हैपन होता है, ऐसा होता है, तो एटलीस्ट क्या होगा, बोथ क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, एक हैपन होता है एक नहीं होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे. क्लियर गाइस.